नेता मंत्री स्वतंत्र रावत जी, हमारे मंत्रिमंडल साथी प्रताप सिंह खचरेवास, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, विधायिका गंगा देवी जी, प्रज्ञा शर्मा जी, मेयर साहिब मोहित गुजर, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, टीसीएच अर्पण अरोड़ा जी, पुरोहित प्रज्ञा जी, आयुक्त देवस्थान, तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, 1000 वरिष्ठ नागरिक आज रामेश्वरम और मीनाक्षी मंदिर मदुराई जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से, तमाम साथियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपको यात्रा में ये पुस्तक दी गई है सभी यात्रियों, और मैंने अभी बैठे बैठे समय का उपयोग किया, उसे पूछा कि बोल रही चीज मेरे को पूरा पढ़ ली। एक एक जो शब्द इसमें हैं वो आपके काम के हैं। मैं चाहूंगा कि आप रास्ते में जो पढ़ें, जिससे कि पूरी यात्रा में आपको कोई तकलीफ नहीं आए। तमाम तरह से इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, क्या क्या सुविधा मिलेगी, कब मिलेगी, किस प्रकार से आपको यात्रा संपन्न करना है। 2013 के अंदर पहली बार मैंने ये तीर्थ यात्रा शुरू करी थी। आपको याद होगा, आपके मोहल्ले से या आपके गांव से कुछ तो गए भी होंगे यात्रा के अंदर उस जमाने के अंदर। मैंने भी एक दो ट्रेनों को खरीदनी बताई थी उस जमाने के अंदर, कि सरकार बदल गई और मुश्किल से मैं समझता हूं कि जितनी यात्रा करवानी चाहिए थी उस ढंग से यात्रा प्रबंध हो नहीं पाया। और आप देखिएगा, हमने एक साल में 41,000 लोगों को यात्रा करवाई, एक साल में 13 के अंदर। और उसके बाद सरकार 5 साल के अंदर सिर्फ 47,000 लोगों को यात्रा करवा पाई। कहने का मतलब यह है कि हमने हमेशा ध्यान रखा है तीर्थ यात्रियों का सम्मान करना, जो बुजुर्ग हैं उनकी जो भाव होते हैं, मैं एक बार जिंदगी में तीर्थ यात्रा करूं, इसलिए ये नवाचार किया गया। और सरकार की तरफ से पहली बार तमाम तरह की सुविधाएं देने के साथ में कोई खर्चा एक नए पैसे का नहीं आपका होगा। आज मैंने पढ़ा समाचार पत्रों में, कुछ लोग फ्री कर रहे हैं, आपको फोन कर रहे हैं कि आप पैसा जमा करवाइए एडवांस के अंदर। वो ठग हैं, उनको पुलिस में मैंने कह दिया है, पुलिस उनको जल्दी अरेस्ट करेगी। अगर ऐसा कोई आदमी कौन ठगी कर रहा था, टेलीफोन पर भी जाएंगे दीदी जी आदमी, इसमें एक नया पैसा भी खर्च नहीं करते रास्ते के अंदर। पूरा खर्चा सरकार दे रही है, आपको फ्री यात्रा करवा रही है। इस प्रकार से आप सोच सकते हो कि कोरोना के अंदर जो है, कोरोना में 1,00,000 अपील पेंडिंग हो गई थी कोविड के वक्त में, जा नहीं पाए थे, तो मैंने इस बार बजट में घोषणा करी है उन तमाम 1,00,000 लोग तीर्थ यात्रियों को, 1,00,000 तीर्थ यात्रियों को 2 साल में यात्रा करवा दी जाएगी, ये मैंने घोषणा कर दी। और उसके अकॉर्डिंग टू यात्रा प्रारंभ भी हो गई है। इस पर 20,000 अब से 50,000 यात्री तीर्थ यात्रा करवाएंगे। देखिए, ट्रेन पता नहीं कौन सी, जिसका सिंगर बोल रहा है, मैं भी नहीं चाहूंगा कि आपकी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, तो सबको तो ही बताएगी, परंतु क्योंकि आपको अभी दूसरी ट्रेन है, ट्रेन दूसरी है, आपको चिंता करनी होती नहीं है। आपको देती ट्रेन जाएगी, वरना ट्रेन जाने नहीं देंगे, चिंता मत करना, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था आपको, 1,00,000 फॉर्म पेंडिंग रह गए थे, उनका मैंने कहा 2 साल में इनको सपन उठा देंगे। अब आप इस अयोध्या को, वैद्यनाथ को, त्रिवेंद्रेश्वर, नाशिक को, स्वदेशी गली को भी शामिल कर दिया गया, अन्य तीर्थ स्थानों के साथ साथ में। इस प्रकार
ये जो प्रयोग हुआ है उससे मैं महसूस करता हूँ और सभ्यता जी देवस्थान विभाग के मंत्री के नाते जिस प्रकार से तीर्थ यात्रियों को लगातार भेज रही है, मंदिरों को जीर्णोद्वार करा रही है, भगवान पतंग फहरा रही है, मुझे खुशी है कि पुजारियों का वजीफा बढ़ा दिया हम लोगों ने प्रति माह, सब ध्यान रख रहे जिससे कि हमारे राजस्थान में जो भी तीर्थ यात्री भी है और तीर्थ स्थान भी है उन सब के जीर्णोद्वार हो सके समय रहते हुए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, आप निश्चिंत रहें, निश्चिंत होकर यात्रा में जाएं और कोई भी तकलीफ नहीं पाए। अभी सभ्यता जी कही थी मोक्ष कलश की योजना, वो भी लागू की हम लोगों ने और 86,000 व्यक्तियों को रोडवेज से हम लोगों ने भेजा है, इस बार निःशुल्क रूप से भेजा था उस वक्त भी। और ये यात्रा जो मोक्ष में जाते हैं उनके लिए हमने परमानेंट भी कर रखी है, बस यात्री जाए भेजा जाए उनके लिए पूरी सुविधा मिलेगी। इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि जो मानसरोवर जाते हैं उनको 1,00,000 रुपये हम देते हैं, अनुदान देते हैं प्रति यात्री। और साथ में जो एक और तीर्थ स्थान है सिद्धू नदी लद्दाख में है, उनको 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपके यात्रा में दो तो प्रत्येक कोच में 2 सरकारी कर्मचारी होंगे, प्रत्येक कोच के अंदर 1 डॉक्टर नर्सिंग अधिकारी होंगे, तमाम तरह की सुविधाओं के साथ में आपको यात्रा में भेजा जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पुस्तक को पढ़ लेंगे और ज्यादा अच्छे ढंग से आप यात्रा को संपन्न कर पाएंगे। नाश्ते की, खाने की, पीने की तमाम सुविधाएं, चाय की, कॉफी की तमाम व्यवस्थाएं बहुत ढंग से की गई है। और मुझे अनुभव है कि जो श्रद्धा है रेलवे की उसकी एक्सपर्टाइज है सेवा करने के लिए RTDC की तरह। और मुझे विश्वास है कि जो अधिकारी साथ जा रहे हैं वो अधिकारी सेवा भाव से जाएंगे, आपकी सेवा करने के जाएंगे। रास्ते में जब कभी कोई तकलीफ हो, इंक्वायरी करनी हो, आप मुझे बातचीत कर सकते हो और वो पूरी तरह आपकी सेवा के लिए साथ जा रहे हैं, जिससे कि आपकी यात्रा में कष्ट नहीं हो। जहाँ जहाँ यात्रा कर रहे हैं आप उतरेंगे चढ़ेंगे, क्योंकि चढ़ने में टाइम लगता है, बोगी कौन सी है कौन सी नहीं है। अभी आप जब जाएंगे प्लेटफॉर्म पर तो आपको आराम से बिठाएंगे वो लोग। इतने में लंबी बात नहीं कहता हुआ, ये बहुत अच्छा मौका था तो मैंने कहा कि मैं भी आकर के आपको आपके शुभ यात्रा के लिए बधाई दूं और शुभकामनाएं दूं, इसलिए मैं आपके बीच में हाजिर हुआ। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।